वैसे देखा जाए तो कॉलेज की लड़कियां ज्यादा खुलकर बताती है उनको कैसा लड़का चाहिए, वो छुपाती कम है। उनको अपने लाइफ में एक मसालेदार लड़का चाहिए होता है जो उनको टीवी सीरियल जैसा इमोशंस देते रहे। उनको एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जिसके साथ वो कहीं भी कभी भी घूमने जा सके। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप रोज खूबसूरत लड़कियों से जरूर मिलते होंगे और कुछ लड़कियां आपकी दोस्त भी होगी, पर क्या अभी तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? आई मीन कि क्या आप नहीं जानते कि कॉलेज में अपना प्यार कैसे हासिल करते हैं? अगर अभी तक आपने कोई भी लड़की नहीं पटाई है तो भी कोई बात नहीं, और आप पहले से अपना खाता खोल कर बैठे हैं तो भी आपके लिए लड़कियों को पटाने का नया तरीका पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आसानी से आप किसी भी लड़की को पटा सकते हैं। आप किसी लड़की को पटाने जा रहे हो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप में ऐसा क्या है जो लड़की आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाए। आपको एक बेहतर गर्लफ्रेंड चाहिए तो लड़की भी ये चाहती है कि मुझे भी सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड ही मिले। अब ध्यान से समझना, क्योंकि लड़की को पटाने में ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप में दूसरे लड़कों से अलग क्या है। आप जिसे पटाने जा रहे हो उस लड़की को आपसे पहले भी बहुत सारे लड़कों ने उस पर ट्राई किया होगा, तो आपसे ही लड़की क्यों पट जाए? पर मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, लड़की अभी तक इतने सारे लड़कों के प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी है क्योंकि वो सब एक जैसे ही लड़के थे। वो सब लड़की को पटाने के लिए सिर्फ एक जैसे ही हरकत करते थे। आपको वही तो नहीं करना है, और आप आसानी से सब लोगों से डिफरेंट हो जाओगे। सिंपली अगर आपके कॉलेज के सारे लड़के उस लड़की को भाव दे रहे हैं तो आप उसको भाव देना बंद कर दो, उस लड़की को इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि जो डिफरेंट होता है वो किसी भी लड़की के सामने जल्दी नजर आ जाता है। बाकी आप उन सब लड़कों जैसे लड़की के आगे पीछे पड़े रहो तो जिंदगी भर ये करते रहो, लड़की के नजर में आप कभी भी नहीं आओगे। हाँ, आपको खुद का एडवर्टाइजमेंट करना होगा सिर्फ लड़की के सामने कि आप भी दुनिया में मौजूद हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी लड़कों से अलग होकर आपको बताना भी पड़ेगा ना कि आप क्या हो। कुछ भी करके आपको उनके सामने से गुजरना है, जैसे कि उनकी नज़र तुम पर बार बार पड़े। पर उन लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने काम में बिजी हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रात को घर पर टीवी देखते हो तो तभी आपको कॉलेज की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। जब आप सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तभी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, और जब आप रास्ते से गुजरते हो तो तभी आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। आम इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो खुद के बारे में सोच सके कि उसको क्या चाहिए, तो वो जो अपने सामने देखता है वो तो वैसे ही किसी भी चीज़ को चुन लेता है। जैसे आपको टूथपेस्ट की ज़रूरत है तो आप घर से बाहर निकले, आपको दीवार पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा तो आप उसे खरीद लोगे। बार बार बताया जाता है कि ये टूथपेस्ट अच्छा है, ये टूथपेस्ट अच्छा नहीं है, तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग कमज़ोर करती है, और आप एडवर्टाइजमेंट के सपोर्ट करते हुए उसी टूथपेस्ट को खरीद लेते हैं। जिस लड़की को आप पटाना चाहते हो आपको उस लड़की के इंटरेस्ट के बारे में जानना होगा। अगर लड़की आपके कॉलेज में सिंगिंग और डांसिंग में हिस्सा लेती है तो आपको भी उसके साथ हिस्सा लेना चाहिए। इससे होगा ये कि आपको उनके साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जब आप किसी एक चीज के लिए काम करते हो तो लड़की को लगता है कि आप दोनों एक जैसे ही है। आपने कई बार सुना होगा कि स्टूडेंट और टीचर के बीच लव होता है, एक ट्रेनर और एक प्लेयर के बीच लव स्टोरी होती है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि सेम चीज़ों में इंटरेस्ट होने वाले लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लड़की से हेल्प मांगिए, लेकिन इतनी भी बड़ी हेल्प नहीं। रोज़मर्रा की लाइफ में आपको जो ज़रूरत हो आप उससे हेल्प मांग सकते हो, और लड़की से ऐसी हेल्प मांगिए जिसकी मदद वो लड़की खुद कर सके। जब आप लड़की से इस तरह की हेल्प मांगते हो तो लड़की के माइंड में ऐसा लगने लगता है कि आप दोनों में पहले से पहचान है।